नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कावेंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा। दर्शकों, एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों की जब बात करते हैं तो ये बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरीके से राउंड वाइज वोटिंग होती है उसमें एक चीज सबसे अहम है, वो ये है कि जिसका शुभारंभ बढ़िया हुआ, जिसका नींबू बढ़िया पिचका, उसका बोलबाला होगा अंत तक। पहले चरण के मतदान हो चुके, 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब वोटिंग होनी है 55 सीटों पर। तो अब जो वोटिंग है वो है 9 जिलों की 55 सीटों पर। 9 जिलों की 55 सीटों पर आज वोटिंग हुई, पूरे दिन ताबड़तोड़ वोटिंग होती रही। हम आपको पल पल की ब्रेकिंग भी देते रहे, पट्टियां लगातार चलवाते रहे, लेकिन आज का जो वोटिंग परसेंटेज था उसका गुणा गणित क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या 2017 से बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। इससे इतर एक और चीज पर चर्चा करेंगे कि जिन सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार, मसलन जिन सीटों को हम आम भाषा में हॉट सीट बोलते हैं, उनमें आज क्या हुआ। मतलब सुरेश खन्ना साहब की जो साख दांव पर लगी हुई है उसका क्या हुआ। रामपुर से आजम खान साहब अंदर ही अंदर से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका समीकरण क्या रहा। इसके अलावा एक और चीज आपको बता देता हूं कि आज का चुनाव खत्म होते ही, आज के चरण का मतदान खत्म होते ही अब गठबंधन की भूमिका कम हो गई है। मतलब तीसरे राउंड, चौथे राउंड, पांचवें राउंड तक समाजवादी पार्टी को अकेले ही ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अब जो लड़ाइयां हैं जिन सीटों पर मतदान होने हैं वो अवध से होते हुए पूर्वांचल की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पर समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है। अब जयंत चौधरी साहब का जो रोल था, जो बस पर खड़े होकर वो लगातार अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे थे, वो रोल उस पर अब लगाम लग जाएगी। मतलब छठे और सातवें राउंड में अब बाकी जो अन्य चेहरे हैं, ओपी राजभर साहब और अलग अलग, वो सब लोग नजर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो आगे के राउंड की जो बैटिंग करनी है वो समाजवादी पार्टी को अकेले खड़े होकर पिच पर करनी है। लेकिन आज कहां कहां मतदान थे उन जिलों के एक बार नाम बता देता हूं। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शहजहांपुर। लेकिन बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आई। शहजहांपुर में आज वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, क्यों रहा ये चर्चा का विषय है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज दिलचस्प रही आज के जो फेज की वोटिंग थी उसमें, कि मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा दिखे, और वो इसलिए ज्यादा थे क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से देखें अगर इन सभी विधानसभाओं में 58 में, तो मुस्लिम वोटर भी ज्यादा है, मुस्लिम वोटर ज्यादा है, यादव वोटर भी ज्यादा है। लेकिन बीजेपी साधने में लगी रही जो गैर यादव ओबीसी हैं उनको विकास के नाम पर, और जो उनकी योजनाएं हैं, जो लुभावनी उनकी योजनाएं हैं उसके नाम पर उन्होंने आज का जो पूरा गेम था उसको खेला। बाकी गठबंधन आज गेम पर रहा क्योंकि उसके पास एक तो मुसलमानों का वोट पड़ता हुआ नजर आया, ऐसा उनने खेला है जो गेम है, और साथ ही साथ यादव वोटर पर भी उनकी दावेदारी रही। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं आज के चुनावों में। लेकिन साथ ही साथ एक और जगह चुनाव था आज, उस सीट का नाम है अमरोहा। अमरोहा जो जिला है उसके अंदर एक हसनगंज सीट है। हसनगंज सीट वो सीट है जिसमें एक बार मुलायम सिंह यादव स्वयं हार के थे। तो ऐसी ऐसी भी सीटें हैं आज, और साथ ही साथ जितने भी आज विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें अगर कांग्रेस को जोड़ लें, बसपा को जोड़ लें और समाजवादी पार्टी को जोड़ लें, तो लगभग 77 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। तो क्या ये मुस्लिम उम्मीदवार आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शहजहांपुर में आज वोटिंग इतनी कम क्यों रही, और कुछ बूथ ऐसे रहे जहां एक बूथ में तो 85% मतदान हो गया तो वहीं दूसरे बूथ में बता रहे हैं कि 22-25% मतदान हुआ। यह इतना बड़ा अंतर क्यों आया इसको तो सब जानते ही। और आज बाकी पश्चिम की परिधि में जो मतदान हुआ है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उससे हम आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज जो दूसरे चरण के जो मतदान हुए हैं इस परिधि में कौन था कौन नहीं इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं।
हमारे साथ आज जुड़ेंगे संजीव चौधरी साहब समाजवादी पार्टी से हैं, संजय त्यागी साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुधा मिश्रा जी हैं कांग्रेस से हैं, निरंजन पोद्दार साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा संजय त्यागी साहब। संजय जी, आज एक महत्वपूर्ण फेज रहा आपके लिए वोटिंग का, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर जब वोटरों की जब जनसंख्या हम लोग गुणागणित लगाते हैं तो ज्यादातर मुसलमान देखने को मिलते हैं, ज्यादातर यादव वोटर आपको देखने को मिलता है, और बाकी यहां पर कहा जा रहा है जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि यहां गठबंधन जो है अगर लहर ना देखें, लहर को माइनस कर दें और वोटर वोटर के हिसाब से गुणागणित अगर पूरा आंकड़ा निकालें तो यहां पर गठबंधन थोड़ा सा मजबूत नजर आता है अगर उनके कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो आज आप क्या देख रहे हैं कि आज जो 55 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें आप कितनी पा सकते हैं? देखिए ऐसा है भाई साहब, ना हम जाति की बात करते हैं ना हम लहर की बात करते हैं, हम सुशासन में यकीन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुशासन उत्तर प्रदेश को देने का काम किया और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आतंक इन देशद्रोही ताकतों का और सांप्रदायिक और तुष्टिकरण करने वाले लोगों का रहा है उसका संदेश जनता के अंदर गया है। रही बात क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है, हम ही नहीं पूरी प्रदेश की जनता और विपक्षी खेमे में आप देख ही रहे हो पूर्ण तरीके से आश्वस्त है कि पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ में 30 साल का इतिहास टूटने जा रहा है। कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं होता था, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता जागरूक है। ठीक है ठीक है, चलिए आप कुछ भी कहते हैं वो ठीक ही है, कौन सा आप पर कोई FIR करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, संजीव चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आज जी अगर केवल और केवल मैं मैथमेटिक्स करूं कि ये इसका वोटर कितना किसका क्या हो सकता है, अच्छा ये फलानी जगह है यहाँ पर इतने मुसलमान हैं तो इसके ऊपर अगर इसे बैठा दिया जाए तो क्या होगा, इसके हिसाब से कहने में कोई संकोच नहीं कि आप जो थे आज मजबूत स्थिति में बैटिंग कर रहे थे, मजबूत स्थिति में थे। और बाकी एक चीज़ और है, अभी निरंजन जी इस पर बताएंगे मुझे बेहतर तरीके से, ये चीज़ और देखी जा रही है कि जो इलाके जो मुस्लिम बहुल हैं वहाँ पर जो बूथ पड़ रहा है, आज मैं सुबह से देख रहा था कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जो इलाके जहाँ पर मुस्लिम बहुत कम है वहाँ पर हमने देखा कि भीड़ बहुत कम दिखी। और ऐसे डेटा भी है कि एक बूथ है वो मुस्लिम इलाका है पूरा, 95% मुसलमान है तो 85% ही वोटिंग बताई गई, उससे थोड़ी किलोमीटर दूर एक और इलाका है वहां पर बता रहे हैं कि 25-30% मतदान हुआ। तो ये है, लेकिन ये बताइए कि आज जो वोटिंग हुई है जो दूसरे राउंड की, इसमें आप कितनी सीटें पाती हुए अपने आप को देख रहे हैं, किस पोजीशन में देख रहे हैं अपने आप को? देखिए आज दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें हमने सैकड़ा पार कर लिया है, गठबंधन ने पूरा सैकड़ा पार कर लिया है और 100 सीट भारतीय जनता पार्टी माइनस पे आ गई है आज का जो चुनाव होते होते। और रहा सवाल मुसलमान या हिंदू का, आज हमें हर बिरादरी का वोट मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कोई बिरादरी ऐसी नहीं है, सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी व गठबंधन को मिल रहा है क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी के जो जालिम कारनामे को देखते हुए जो जनता इनसे नाराज बहुत है, इनके कामों से नाराज है, इन्होंने रोजगार छीन लिया, बहुत सारी चीजें वो कई बार आ चुकी है, मैं उस पर नहीं ज्यादा रोजगार छीन लिया बिल्कुल रोजगार छीन लिया, जिसकी सैलरी मैं बताता हूँ कैसे छीन लिया, जिस बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए में वो अपना घर का भरण पोषण कर रहा था वो आज 20,000 रुपए पे काम करने को इन्होंने मजबूर कर दिया। अब जो आदमी 20,000 पे 1 लाख पे काम कर रहा था अपने घर में वो 20,000 में कैसे रोजी रोटी क्या कराई, उन्होंने तनख्वाह घटाई क्या किया, पार्टी के लोगों ने सब कुछ छीन लिया। तो इनसे जनता नाराज इतनी है, इतनी जनता नाराज हो चुकी है, वो तो एक बार इनकी
देसी भाषा में कहते हैं ना, काट की हांडी चढ़ गई। एक बार इनकी काट की हांडी चढ़ गई थी और उसमें इन्होंने इतना परेशान जनता को किया है, युवा नाराज इनसे, किसान नाराज इनसे, महिलाएं नाराज इनसे। अब मैं कितने गिनाऊं आपको भी पता है, सबको पता है। ठीक है ठीक है, एक एक राउंड खेल लेते हैं हम लोग भी, एक एक राउंड खेल लेते हैं उसके बाद खुलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको ओपनिंग रिमार्क मिल गया जी, बिल्कुल संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक राउंड खेल लेते हैं पूरा जी, बिल्कुल आपका मुझे कॉमेंट मिल गया, रिमार्क मिल गया आपका। अब मैं सीधे चलूंगा सुधा जी के पास। सुधा मिश्रा जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज आज ही मुझे पता लगी, मुरादाबाद जो है वो प्रियंका गांधी की ससुराल भी है। ठीक है, अगर आज जो वोटिंग हुई है 55 विधानसभाओं में, वहां की हम संपूर्ण रूप से बात करें तो इतना ज्यादा असर नहीं देखने को मिला आपका कि कुछ कमाल देखने को मिल रहा हो, कुछ अलग, ये अभी तक ओपिनियन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलग ये है कि एक और चीज है, सत्ता में आए या ना आए, लेकिन एक और दिलचस्प चीज ये होनी चाहिए कि कम से कम ऐसा ना हो कि अपनी ससुराल में भी हार दिखे लेकिन जीत हो, ऐसा भी कुछ दिखा नहीं। तो कांग्रेस का क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, आप आज किस नजर से देख रही हैं उसको? विक्रम जी सबसे पहली बात कि ससुराल में जीत हो या मायके में जीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमारे भाई संजय त्यागी जी ने कहा था कि जनता जागरूक है, इनका ये मानना कि जनता जागरूक हो चुकी है, हमारी आधी लड़ाई हमने जीत ली क्योंकि हम जनता को जागरूक ही कर रहे हैं, जो हमारी जमीनी स्तर पर लड़ाई हो रही है। आप यहाँ जीतने आए थे कि जनता को जागरूक करने आए थे? अगर जागरूक करना था उसके कई तरीके हैं, ये तो थोड़ा क्लियर नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत कब, जब भी आप कोई युद्ध में लड़ते हो, किसी चीज को लड़ने के लिए उतरते हो, तो उसमें दो ही चीज होती है, हार या जीत, और हर व्यक्ति जीतने के लिए आता है। तो आप इसको मत कहिए कि हम जीतने के लिए आए हारने के लिए आए थे, तो जनता तय करेगी। आज तक जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, हर कोई लड़ने के लिए ही आया है, युद्ध हो रहा है, हर कोई लड़ ही रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप जागरूक करने आए थे कि लड़ने आए थे? अगर लड़ने आए थे, अगर जागरूक करने आए थे तो ठीक है, फिर आपने जागरूक किया, वो आपका हुआ। जागरूक करके लड़ने आए थे? जागरूक करने आए थे नहीं, और जागरूक करके लड़ने आए थे। अच्छा। जिस तरह से झूठ का भ्रम जाल फैलाया गया है जनता के बीच में, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी उसके अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं आएगी। यहाँ पे तो भ्रम ऐसा फैलाया गया है, भ्रम की राजनीति ने सबके आंखों को बंद कर रखा, चश्मा चढ़ा रखा है, धर्म का, जातियों का, लेकिन सब कुछ बांट के रख दिया हुआ है। लेकिन बाहर गलियारों में लोग ये कह रहे हैं, सियासी गलियारों में, कि आप जनता को जागरूक तब करेंगी जब आप खुद के लोगों को जागरूक कर पाएंगे। आपके जो पोस्टल गर्ल है, एक एक कर तीन लोग तो इधर उधर चले गए जी। ये राजनीति भाजपा की, जिस तरह हंस रहे हैं आप, देखिए इनकी हंसी में जो छुपा हुआ है कि हम राजनीति ऐसे ही करेंगे, आपके लोगों को छीनेंगे, मतलब इनके पास और कोई काम नहीं है। ये पैसों के बल पे अपने जो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है ना, कि ये लोग अपने हर चीज से, अच्छा, पैसों के बल पर ये सेंध लगा के उसको अंदर ले आएंगे, बिल्कुल सेंध लगा के दूसरे पार्टी को कमजोर। आपकी विचारधारा इतनी कमजोर थोड़ी ना, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी कमजोर विचारधारा थोड़ी ना है कि पैसों से खरीदी जा सकती। मेरी बात, आप मुझे बात बोलने देंगे? हमारे ही पार्टी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे राजनीति हो रही है, जिस गांधी जी के नाम पे नाम कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री नाम लीजिए, हमारे विचारधारा अगर मजबूत ना होती, जो व्यक्ति हट रहा है ना वो स्वार्थ से हटा है, वो अपने विचारधारा से नहीं हटा है। वो कहते हैं कि सम्मान देने का काम लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, निरंजन पोदार साहब के पास। बिल्कुल नहीं, ये इनकी सेधमारी है, ये राजनीति से कर रहे हैं कि यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, और देखो कि हम सबके पोस्टर गर्ल को, अरे पोस्टर गर्ल लेना था, आप किसी राह चलती बच्ची जो गरीब थी, जिसको जरूरत थी, उसको लेते, आपको पोस्टर गर्ल ही सेध मारी। तो आपने पोस्टर गर्ल किसको बनवाया था? आपने पोस्टर गर्ल किसे बनाया था? राह चलती बच्ची को नहीं बनाया था हम? जी बिल्कुल नहीं, हमने काम करने वाले लोगों को दिया था। लेकिन यहाँ पे जो सेधमारी हो रही है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, और आप जो इनकी हंसी देख रहे हैं, इसका अहंकार आपको दिख रहा होगा, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो इनकी झूठी हंसी है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप निरंजन, ठीक है ठीक है, अब आता हूँ सेकंड राउंड में। वो सब लोग मुस्कुराते रहिए, जो भी है वो तो आगे निर्णय ही बताएगा। मुस्कुराना और दम्भ में, मुस्कुराना दोनों दिखता है, तो ये दम्भ जो दिख रहा है हा हा करके, वो दिखा रहा है कि हम ये जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये इनकी हंसी बता रही है। नहीं, अब इनके हाथ में नहीं है सुधा जी, अब इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ से चला गया, इनके हाथ से गया, बिल्कुल जाएगा इनके हाथ से गया। ठीक है आ रहा हूँ, बिल्कुल संजय जी आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले निरंजन जी के पास चलूंगा। लेकिन निरंजन जी के जाने से पहले संजीव जी, आप अगर ऐसे सपोर्ट करेंगे इस वक्त भी कांग्रेस का, तो वो जो हाथ हिलाते, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी एक दूसरे को हाथ उड़ा रहे थे, तो आप लोग क्या एक ही टीम है?
लेकिन साफ नहीं बता रहे हैं। विक्रांत जी एक बात, अगर मेरा नाम कावेंद्र है, पहले एक सेकंड आपको टोकना चाहूंगा, कावेंद्र चौहान नाम है। इस बात पे नहीं नहीं इस बात पे सुन लीजिए, अगर स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव का पैर छूती है तो संस्कार है उसमें, ये नहीं कि एक पक्ष में हो गए। तो कम से कम चीजों को एक साथ इस तरह मोल्ड मत करिए कि हमारा पक्ष कर रहा है, इनका पक्ष कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सहमति हो सकती है, सहमति का मतलब पार्टी छोड़ के कहीं और जाने का मतलब नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा है। मैंने भी मान लिया, बिल्कुल सही कहा संजीव जी, बिल्कुल सही कहा है निरंजन पोदार साहब। अब बात करेंगे थोड़ा सा अलग। बात यह है कि आज जिन 55 विधानसभाओं में चुनाव हुए, पूरे दिन आज सुबह से लेकर शाम तक हम चुनाव पर नजर बनाए रखे, हमारे रिपोर्टर भी थे, संवाददाता भी लगातार फीड भेजते रहे। एक बड़ी दिलचस्प चीज इस बार चुनावों में दिख रही है, 2017 से अगर इसको देखें, आप इस पर अपना बताइएगा पूरा, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट हैंड बता रहा हूं, वो ये है कि 2017 में जो लोग खुद एंथुजियास्टिक दिख रहे थे, बाहर आ रहे थे, उत्साह में दिख रहे थे, दौड़ दौड़ कर मतदान करना चाहते थे, खुशी खुशी बाहर आ रहे थे, तो लहर जो थी उसको समझ रहे थे हम लोग, लहर जो थी वो नजर आ रही थी। लेकिन इस बार लोग उतना ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे, एंथुजियास्टिक नजर नहीं आ रहे। बाकी पहली चीज ये, दूसरी चीज कि एक चीज आज नोटिस की गई, हालांकि ये पहले भी देखा गया, लेकिन एक और चीज निरंजन जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि जो बूथ मुस्लिम बहुल इलाकों में है वहां बंपर वोटिंग हो रही है आज, लेकिन जो अदर एरियाज में जो बूथ है जहां पर मुस्लिमों का इतना प्रभुत्व नहीं है वहां पर कम वोटिंग देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, तीसरी चीज यह है कि अभी तक जो दो चुनाव, एक चौथाई हो गया पूरा चुनाव, एक चौथाई पूरा चुनाव हो गया है और अभी तक साफ साफ हो गया, क्योंकि अगर समझेंगे अगर चुनाव को तो यह चीज साफ समझ में आ जाएगी कि अभी तक कहां जा रहा है, किधर साइड जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बीजेपी के लिए जो उत्साह पिछली दफा देखा गया था वो नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही गठबंधन को लेकर भी उतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि जैसा होना चाहिए। निरंजन जी देखिए, काविंदर जी मैं आपकी तीनों बातों का जवाब दूंगा, पहले मैं अपने मन की एक भावना आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम टीवी चैनलों पे डिबेट में आता हूं लेकिन मुझे जो आपके साथ डिबेट में मजा आता है ना, तो आप ये मान के चलिए वो ये वही वाली बात है, खेल में मजा आए ना आए एम्पायरिंग में मजा आ जाता है। तो वैसे ही आपकी एंकरिंग में मुझे बहुत आनंद आता है कि जिस तरीके से आप समान रूप से सभी की खिंचाई करते हैं, ये एक आनंददायक होता है। पहले तो आपके बारे में ये थोड़ा सा कहना चाह रहा था, अब मैं आपकी जो तीन बातें थी उनके ऊपर आना चाहता हूँ। देखिये ऐसा है काविंद्र जी, निश्चित रूप से इस बार जो 2017 के अंदर जिस तरीके से एक वोटर बोल रहा था या पब्लिक एक जिस तरीके से मुखर हो रही थी, इस बार निश्चित रूप से मुखर नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो कदाचित अगर मैं 58 और 55 दोनों चरणों को जोड़ देता हूं, 113 सीटों के ऊपर पिछले जो 58 सीटों के ऊपर जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ था उसके अंदर और आज का भी जो फाइनल आंकड़ा आएगा चुनाव आयोग का उसके अंदर आप देखेंगे कि कदाचित वोटिंग परसेंटेज पिछले वाले के लगभग बराबर ही जा रही है, तो ये नहीं कह सकते कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जहां पे मुस्लिम बहुल एरियाज है उन बूथ के ऊपर टूट करके मतदान हो रहा था और जो उसी के बगल वाला बूथ जो है वहां पे सन्नाटा दिखाई दे रहा था, देखिए कविंद्र जी निश्चित रूप से यहां मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मुश्किल में पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है आज कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा एक कमजोरी का कार्य कर रहा है। और वो क्या है, वो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कैडर ये समझने लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और यहाँ पे रैलियां करेंगे और हमें चुनाव जीतवा के चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैडर आज धरातल के ऊपर उतना पसीना नहीं बहाता जितना बहाना चाहिए था या जितना पहले बहाता था, तो ये एक मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खुद को कहीं ना कहीं हराने की कोशिश कर रही है, ये मेरा ऐसा मानना है। और रही बात मुस्लिम एरियाज के अंदर जो बंपर वोटिंग की बात है काविंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए हमने देखा है पिछले 70 सालों का आप चुनावी विश्लेषण करेंगे तो हर बार जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी होती है उनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर ज्यादा जागरूक है बनिस्पत अन्य के। ये चीज सदा आपको देखने में आई है कि मुस्लिम वोटर राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व रूप से वोट करता है। ठीक है, तीसरी बात आपने जो कहा, जी 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 रखिए रखिए
हाँ, तीसरी बात जो आपने कही, देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है काविंद्र जी कि इन चुनावों के अंदर, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक चीज मैं भी पिछले लगभग डेढ़ दो ढाई महीने से पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहा हूं, आज भी मैं कदाचित पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बार एक चीज जरूर हुई है बंगाल के चुनावों के बाद में कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कहें, वो इस बार बोल नहीं रहा है। कार्य कहीं भी कर रहा होगा लेकिन वो बोल नहीं रहा, और जो गठबंधन का जो कार्यकर्ता है या कैडर है वो कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे यादव मुसलमान हो, जाट मुसलमान हो या अन्य कोई, तो ये सारे के सारे एक, जिसको हमारे यहां कहा जाता है कि एक मार्शल कॉम गठबंधन के अंदर मार्शल कॉम का एक वो है, तो वो एक मुखर होकर के बोलता है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार गठबंधन की ज्यादा हवा आपको नजर आ रही है। बाकी मेरे हिसाब से 10 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन हम दोबारा बैठेंगे और देखेंगे कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज अगर आपके आपकी अनुमति हो तो मैं कांग्रेस के बारे में और कहना चाहूंगा। क्या कहेंगे, मत कहिए, छोड़िए। जी जी छोड़िए, ठीक है। तो अब संजीव चौधरी जी के पास चलेंगे, दूसरा राउंड की शुरू करते हैं। संजीव चौधरी साहब, क्योंकि पूत के, संजय जी आप पर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल दूसरा राउंड कंप्लीट करते हुए आप पर आऊंगा, क्योंकि पूत के पांव जो हैं पालने में ही समझ आ जाते हैं, तो दूसरे राउंड तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन संजीव चौधरी साहब, सुधा जी को भी मैं बता देता हूं कि मैं भाव भंगिमा बहुत नोटिस करता हूं। जब सुधा जी बोल रही थी तब संजय जी हंस रहे थे, लेकिन संजीव चौधरी साहब मुस्कुरा रहे थे। अब मुस्कुरा रहे थे तो ये जो स्माइल है, इसमें आप अभी तक क्या समझे हैं, मुझे वो चीज़ समझाइए। कि आप ये बताइए कि आज का जो वोटिंग हुई, जो सेकंड राउंड की वोटिंग हुई, इसमें किन मुद्दों पर आपकी नज़र में, क्योंकि अभी तक ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुद्दा दरअसल क्या पकड़ में आ रहा है, एक मुद्दा कौन सा प्रभावी है जिसको लेकर काम चल रहा है, जिसको लेकर पूरा वोटर जो है भागा भागा वोट दे रहा है, वो एक मुद्दा समझाने की कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा मुद्दा है जो जनता के पकड़ में आ गया और आपको लग रहा है कि आपके लिए एक तरफा वोटिंग हो गई। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये रहा है, 2007 की बात करूं, 12 की बात करूं, 17 की बात करूं, अगर पश्चिम उसके आसपास की परिधि को ले लूं तो एक तरफा वोट करने में बहुत माहिर हैं लोग, एक तरफा वोट डाल देते हैं, या तो बसपा को गया तो पूरा बसपा को गया, सपा को गया तो सपा को गया, बीजेपी को गया तो बीजेपी को गया। तो इस बार अगर आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में गया है, तो कौन सा एक मुद्दा है जो सेंट्रिक है, जो सबसे ज्यादा प्रभावशील है? सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का रोजगार, जो हमारे उत्तर प्रदेश का युवा, अरे देखिए मैं मेरा एक देखिए एक बात बताता हूं आपको, सुनिए। 2017 के दौरान मैं ऐसे ही डिबेट कर रहा था, किसी और जगह होऊंगा, तब भी यही बातें कर रहा था मैं कि इस बार जो चुनाव होगा बेरोजगारी को लेकर होगा, महंगाई को लेकर होगा, फलानी को लेकर होगा, बिजली को लेकर होगा, पानी को लेकर होगा, सड़क को लेकर होगा। और आज 2022 के बाद जब अगली दफा, जब 5 साल के बाद जब बात करेंगे, तब भी यही बात कहेंगे, चाहे सरकार कोई हो, बेरोजगारी, पानी, बिजली, सड़क, इनको छोड़िए, एक मुद्दा बताइए जो बहुत सेंट्रिक आपको लग रहा हो कि ये पकड़ गया। देखिए ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बताती है हिंदू मुसलमान। अरे उसने, अरे उन्होंने सीधे कह दिया 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है, वो सीधे बोल रहे हैं। उनके बोलने से पहले मैं बोल देता हूँ, आप बताइए। एक मिनट सर, मैं इस पे बता दूं 80-20 पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं इनको, अरे आप सत्य बोलते हैं, आप सत्य बताइए, आप सच बोलते हैं, आप सच नहीं, आप बताने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दोगे तभी तो बता पाऊंगा मैं। 39% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। किसका? तो ये 80% कहां से निकाल कर देते हैं। पिछली बार 2017 में 39% वोट मिला था। तो ये 80% की तो बात ही नहीं करनी चाहिए इनको। ये केवल झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो झूठ बोलते हैं, आप सच बोलिए जल्दी से, आप थोड़ा सा जल्दी से सच बोल दीजिए कुछ। हाँ जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है, ये तो अनंत काल से चाहती आ रही है और अनंत काल तक चाहती रहेगी, वो छोड़िए, मुद्दा बताइए, सेंट्रिक मुद्दा। हाँ, एक मुद्दा ये जो इन्होंने किसानों के लिए दोगुनी आय के लिए कहा था, जो इन्हें पूरा नहीं किया। एक मुद्दा ये भी है, इससे भी इन्होंने सबको पता है इन्होंने झूठ बोला था। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा
कि समाजवादी पार्टी को बहुत हल्के में लेकर चल रहे थे इन्होंने, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया था, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घेरा इन्होंने, सोचा सातवां चरण पार नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दावे के साथ, सातवां चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी शून्य पा जाएगी। अरे एक तो नेता प्रवक्ता कभी दावे के साथ कुछ ना बोले, आप दावे के साथ बोलेंगे। एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ, एक नेता थे दावे के साथ बोलते रहे, तीसरे चरण के बाद वो उसी पार्टी में आ गए दूसरी में, तो दावे के साथ मत बोलिए, खुलकर बोलेंगे। अब एक चीज रखेंगे अच्छा, अब मैं ये कह रहा था आपसे, आपने एक बात कही संजीव जी थोड़ा सा, ये परेशान हो चुके हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। आप उनके डॉक्टर हैं क्या? आप उनके चिकित्सक हैं क्या? रुकिए, एक मिनट, मुस्कुरा रहे हैं आप, नींद की बात कर रहे हो, झूठी अरे रुकिए, ठीक है संजीव भाई, 10 मार्च को पता चल जाएगा। मुझे पहले एक चीज बताइए नहीं, एक सेकंड संजीव जी, पहले तो मुझे ये बताइए आप संजय जी के बारे में, नहीं आप पहले मुझे ये बताइए अगर आप संजीव जी के ऊपर सीधे बोल रहे हैं तो आप संजीव जी को इतने अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्क्रीन से हटके पीछे अब लस्सी पीते हैं साथ में, आप इतना अच्छे से कैसे बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत मुस्कुरा रहे हैं, अब ये झूठी हंसी हंस रहे हैं, उसको छोड़िए। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा था कि सेंट्रिक मुद्दा क्या है, एक मुद्दा क्या है, आपने कहा किसानों वाला, अब आपको नहीं लगता कि अब इस मुद्दे से आगे बढ़ना होगा आपको, क्योंकि अभी तक जो आपने आरएलडी को रथ पर ऊपर बैठा रखा था, निरंजन जी भी इससे मेरे इत्तेफाक रखेंगे, अब आप रथ पर नहीं बैठाएंगे, हो गया जितना काम होना था, अब आप इधर चलिए अकेले, अब लड़ाई लड़नी है आपको, अब अकेले लड़ाई लड़नी है, अब ओम प्रकाश राजभर साहब को भी बैठाओ भाई। उत्तर प्रदेश की जनता, सबसे बड़ा मुद्दा था, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इनके झूठे लुभावने वादों से उत्तर प्रदेश की जनता संजीव जी रोजाना हर घंटे हर मिनट बदलाव चाहती है। जब वो थाने जाती है एफआईआर करने, एफआईआर नहीं होती तब वो सोचती है बदलाव चाहती है, वो हर वक्त बदलाव चाहती है, वो जरा जरा सी बात पे बदलाव चाहती है, और कभी कभी तो ऐसे ही बैठे बैठे सोच लेती है कि बदलाव हो जाए, ठीक है उसकी छोड़िए, जनता की छोड़िए। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 का चुनाव बेसब्री से कर रही थी, इन झूठे लोगों को, इन भारतीय जनता, मैंने कहा ना पहले भी, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी, इन्होंने झूठ बोल के सत्ता में आए, आज मोदी जी के चेहरे से देखिए आचार संहिता का उल्लंघन इन्होंने किया आज। ठीक है कर दिया। क्या क्या शब्द नहीं बोला, बिल्कुल बोल बता नहीं सकता, ठीक है बाद में बता दीजिए, बाद में फोन करके बता दीजिएगा, चेहरे से ठीक है साफ झलक रहा था, योगी जी को हाथ पकड़ के खींचा उन्होंने, ठीक है आप देख लीजिए, आप बीजेपी को ही देखते रहते हैं कि अपनी पार्टी का भी थोड़ा बता दीजिए, आप अपनी पार्टी का नहीं बता रहे, रुकिए ठीक है सुधा जी के पास चलूंगा, फिर संजय अपनी पार्टी का बता दिया, हम रोजगार देंगे किसानों पे काम करेंगे, ठीक है रोजगार देंगे किसानों पे काम करेंगे, ठीक है बिजली की व्यवस्था ठीक करेंगे, ठीक है चिकित्सा की व्यवस्था ठीक करेंगे जो इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दी थी, हम सारे हमारा मैनिफेस्टो, भाई साहब समस्या तो संजीव जी निरंजन जी समस्या तो यही है, हर चीज ठीक आप कर देंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो कौन सी मैं आप पर FIR कर दूंगा, ये बताइए, तो बोलने को तो आप सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलिए, प्लीज एक मिनट, ये परेशानी इसलिए है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादे किए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, ये इनको भी पता है, ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा ना हो सके, सबसे आसान है, ठीक है अब ठीक है संजीव जी हो गया सबसे आसान होता है चुनाव दो तरह से लड़ना निरंजन जी, एक होता है इतिहास में चुनाव लड़ना, एक होता है भविष्य में चुनाव लड़ना, वर्तमान में चुनाव लड़ना सबसे कठिन होता है, आपने जिस जो मुद्दे आपने बताए मैं बस इसलिए पूछ रहा था, आप या तो इतिहास पे लड़ते रहे कि ये देखिए वो हुआ था, आखिरी में आपने बोल दिया कि जो दावे हमने किए वो भविष्य में हम पूरे करेंगे, वर्तमान की कोई स्थिति आपने साफ नहीं की, चलिए ठीक है सुधा जी के पास चलता हूं, सुधा जी एक बात मुझको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि 2017 के बाद 2022 में आप चुनावी मैदान में हैं, प्रियंका गांधी इसको पूरी तरह से लीड कर रही हैं, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से, ऐसे में आप ये समझाइए कि 2017 में वो क्या कमियां थी जो 2022 के चुनाव में आपने दुरुस्त करी हैं, उन कमियों पर काम किया है, आज खुलकर बोलिएगा। जी बिल्कुल, जो जमीनी स्तर पर हमारा जुड़ाव रह गया था जनता के द्वारा, उसको हमने जमीनी स्तर पर देखे इन 2 सालों में, जो आपने देखा कि जो आपदा प्राकृतिक आई थी उसके बाद समझ में आया कि हम जनता से बहुत दूर। अरे मैडम इतने कम समय में तो पार्टी कार्यालय की नींव भी नहीं रख पाती, अब थोड़ा
कैसी बात करते हैं आप? क्या ये देखिए, सबने पढ़ रखा है ना कि सच की जीत होती है, आप सबने पढ़ रखा है। 89 से लेकर आज तक सच की जीत ही नहीं हुई। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन था भरोसा किसको, सच बोलता कौन है? बिल्कुल नहीं, 70 साल लगे हैं तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। अरे सुधा जी से बात हो रही है, सुधा जी से बात हो रही है। संजीव जी आप थोड़ा सा, संजीव जी राजनीति में संयम रखना बहुत आवश्यक होता है, अगर आप ऐसे करेंगे लोग समझ जाएंगे आप क्या कर रहे हैं। सर झूठ कितना बोल रहे हैं, 70 साल में 10 साल इनकी भी गवर्नमेंट रही। बहुत जगहों पर, बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर या आपके वोट काटने का काम कर रही है। संजीव जी, संजय जी बस थोड़ा सा और रुक जाएगा, संजय जी बस थोड़ा सा आप लोग ठीक है। सुधा जी जो बातें हो रही हैं कि आपने भी कहा कि वर्तमान में राजनीति करना सबसे कठिन है। नहीं, मैं वहां नहीं था। आपने कहा कि अब हम सच को समझाने आए, तो मैंने पूछा 89 से आज तक क्यों नहीं समझा पाए। नहीं समझा पाए। आपने कहा ना इतिहास को राजनीति करना और भविष्य में करना आसान है, हम वर्तमान की राजनीति कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आज महिला और यूथ ही वो दो वर्ग है जिसके पास धर्म और जाति के अनुसार कुछ नहीं चाहिए, उसको उसको जीविका के लिए कुछ साधन चाहिए। ये जमीन धरातल है, इसकी बात हो रही है जी? बिल्कुल नहीं, स्कूटी चाहिए। अगर नहीं देंगे, कैसी बात करते जो आप लोग अपनी बात को, नहीं स्कूटी देंगे यानी बात इसकी नहीं है। क्यों देंगे ये जरूरी है, किसको देंगे ये जरूरी है। शिक्षा की जो अधिकार की बात की गई थी उसके लिए कहा गया कि लड़कियों को हम इससे आगे जो दूर दराज क्षेत्र में जा सकें, ऐसा नहीं कहा कि फ्री में बांट रहे हैं, उसके कुछ कंडीशन भी थे। ऐसा नहीं कि फ्री में मतलब कुछ रुपया लेंगी, कहते हैं कि हर रुपया लेंगी। हाँ ये राजनीति हो रही है ना, तो आप उसी की बात करेंगे। हम इसी राजनीति से हटना चाहते हैं जिस लॉ ऑर्डर की रोज बात होती है। एक्चुअली लॉ और ऑर्डर इनके जेब में है, हम उस लॉ ऑर्डर की बात करते हैं जो सबके लिए हो। आपने कहा FIR दर्ज नहीं होता है, नहीं होता है। राजनीति इन लोग के अपने हिसाब से चलती है, तो लॉ ऑर्डर है क्योंकि पुलिस महकमा इनके जेब में है, सारे सरकारी महकमे इनके जेब में है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी वहां पे अनदेखी कर देता है जहां पे उसको देखना है। NI को बैठ के हमारे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो भी वाजिब है क्योंकि कर दिया तो कर दिया। इन चीजों को हटके अब राजनीति सच में करने की जरूरत नहीं है, राजनीति होनी चाहिए सही मुद्दों पे। जो चीज नहीं हुआ हम उसी को बार बार क्यों घसीटते हैं? 80-20 ये कह रहे हैं और आज सफाई दे रहे हैं कि हमने 80-20 उसको नहीं कहा था, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया था। आप मान लेते हैं तो आपको एक्चुअली जानना वही है, सुनना वही है, उसी में रहना है, उसे अलग हटना ही नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसी मसले पे उलझे रहना है, आगे बढ़ना है। अगर हमने गलत किया था तो आप अपने मैनिफेस्टो में उस चीज क्यों नहीं कर पाए? अब फिर लेकिन आपको कांग्रेस का ही नाम की जरूरत पड़ रही है। कोई नहीं कर पाया इसलिए आप वापस आए, कोई नहीं कर पाया इसलिए आप पूरी ताकत के साथ वापस आए। जी हाँ, करने की जरूरत है, बहुत हो गया बहकाना, इसने नहीं किया, हमने नहीं किया, हम करेंगे। संजय जी के पास आ रहा हूँ, बस लास्ट सवाल और है आपसे। आप बीजेपी को ही पटखनी देना चाहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी को भी साइड करना चाहते हैं? हम किसी पार्टी की पटखनी नहीं, हम MI फैक्टर पे काम करना चाहते हैं। हमारे जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनको सशक्त बनाना चाहते हैं। महिला और यूथ की बात कर रहे हैं, किसके साथ सशक्त बनाना चाहती हैं? अगर समाजवादी पार्टी के साथ सशक्त बना सकती है तो बनाएंगी। कहा ना कि हम अपने पे हर वो कार्य हित में हो। अब देश के हित में क्या है इसको आप बेहतर तरह से जानते हैं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, चलिए संजय त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। संजय त्यागी साहब, सबसे पहले तो एक इस जी और क्लियर कर दीजिए क्योंकि सुधा जी ने बोल दिया है, उसके बाद फिर आप जो कहना चाहते हैं वो कहिएगा। इन्होंने कहा कि 80-20 की जो आप बात कर रहे हैं वो तो दरअसल 80 जो है हिंदू बताना चाह रहे हैं और 20 जो है वो मुसलमान बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ऐसा है भाई साहब, हमारी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है सुधा जी और संजीव भाई तो चोर मचाए शोर उस वाली स्थिति में है। ये मैं कहना चाहता हूँ, शब्दों का प्रयोग ना करें, चोर मचाए शोर, आप लोग शब्दों का प्रयोग करेंगे फिर आप कहेंगे एक नहीं। एक मिनट बहन, जरा मैंने आपको बड़े बड़े शांति पूर्वक सुना था, मैंने रोजगार कहां चले गए आपने, अब करोड़ रोजगार शोर मचा रहे हो। शांतिपूर्ण डिबेट चल रही थी, एक सेकंड हाथ जोड़ के सबसे पहले संजय जी संजय जी आप रुकिए
संजय जी अगर आप रुकेंगे नहीं तो संजय जी वो नहीं बोलेंगे जो आप हम सुनना चाहते हैं। संजय जी तो चाहते हैं कि आप ऐसे करें। रुकिए, ऑडियो डाउन कर, बोली नहीं है आप जैसे बदमाशों को, ऑडियो डाउन कर, ऑडियो डाउन कर, आपके जैसा गुंडा राज। ठीक है, अब आपकी ऑडियो डाउन हो गई। अब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ध्यान से, प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। हम जब खबरों से सामना होता है हमारा निरंजन जी, तो जब पिछले फर्स्ट राउंड की जब वोटिंग हो रही थी तो एक जगह क्या हुआ, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन एकदम से वहां पर कैओस की सिचुएशन आ गई। तो मेरी वहां एक अधिकारी से बात हो रही थी, तो अधिकारी बोला कि सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक लड़का आके वहां फुस्सी बम डाल के चला गया और कम से कम एक घंटे तक मतदान बाधित रहा। और संजय जी आप बार बार वही कर रहे हैं, आपका बोलने का टर्न आ रहा, फुस्सी बम डाल दे रहे हैं दोनों के पालों में। आप बात रखिए अपनी। देखिए भाई साहब ऐसा है, पहले तो इनको ये सेंस होना चाहिए। मैंने शब्द बोला है, आप माफी मांगिए। कौन सा शब्द बोला है मैंने? ये जो चोर किस बात की माफी मांगे? अरे माफी मांगने आप मांगे देश और प्रदेश की जनता से, आप माफी मांगिए। बिल्कुल मत लड़ा करिए क्योंकि मैं हमेशा दर्शकों को समझा के चलता हूँ कि आप लोग जो ये लड़के दिखाते हैं, यही डिबेट खत्म होने के बाद साथ में बैठ कर गुड़चना खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। मत लड़िए, एक्टिंग मत करिए, खुल के बात करिए। और संजय जी प्लीज, संजय जी इनको बताइए, बीच में ना बोले, नहीं तो जवाब आप, संजय जी आपके अंदर एक कला है जो इतना इंप्रेस करती है, संजय जी के अंदर एक कला है जो इतना इंप्रेस करती है। संजय जी मुस्कुराते 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 कब गुस्से में आ जाते हैं ये समझ से परे है। चलिए संजय जी बीच में बोलते हैं तो उसका जवाब मुझे देना होगा, आप ही तो बुलवाते हैं। ध्यान पूर्वक सुना, आप मुझसे बात करिए, आप मैं मॉडरेटर हूं, आप मुझसे बात करिए। संजय जी छोड़िए, आप मुझसे बात करिए। चोर जो पैसा लेके गए वो कहां है आप बताएं? नहीं तुम्हारा, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, आप बताएं वो कहां जैसे है? वो आपकी बात का जवाब दे, तो टोटी भी ले गए चुरा करके, तुम्हारी टोटी तक ले गए निरंजन जी का ऑडियो खोल के रखेगा बस। निरंजन जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? निरंजन जी जब भी बात महत्वपूर्ण विषयों पर होती है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता कभी। बात क्या हो रही थी, अब आपने सुना कि क्या कह रहे हैं दूसरे को नेता लोग, वो कह रहे हैं कि तुम वो चोर हो, वो कह रहे हैं तुम तो टोटी चुरा के ले गए। अब बताओ जो जनता देख रही होगी वो क्या सोच रही होगी, जो महागठबंधन, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, भीड़ भाड़ लाखों की तस्वीर, भीड़ दिखाई जा रही है, ये आ जाएंगे हम, वो आ जाएंगे हम, पलट के रख देंगे, और तभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं आप तो टोटी वापस करो पहले, बताइए। देखिए काविंदर जी, इस देश की राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे अभी आपने इसी कार्यक्रम के बीच में आपने एक बात कही कि या तो चुनाव भविष्य के ऊपर बात करते हैं या वर्तमान या भूतकाल पे बात करते हैं, वर्तमान पे चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ, और ये कदाचित इस देश का दुर्भाग्य है कि जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना तो सत्ताधारी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड देती है कि भाई हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है और आगे की हमारी ये योजनाएं हैं, और ना जो विपक्षी दल है वो इस चीज के बारे में बता पाते हैं कि भाई हमने पीछे ये किया था और अब हम अगर आगे सत्ता में आएंगे तो जनता के तमाम ये फला फला मुद्दे हैं, इनके ऊपर हमारी ये योजना है और इन योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास ये साधन है और ये संसाधन हम फला जगत से, ये संसाधन यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये किसी रोडमैप या किसी सार्थक मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं आ होता है। चुनाव आते आते कहीं ना कहीं ये जो बेकार के मुद्दे हैं, चाहे इनको आप किसी भी एंगल से ले लें, चाहे हिजाब मुद्दा, चाहे हिंदू मुसलमान हैन तैन जो भी ये मुद्दे हैं, आपने पदार साहब आपने जब ये तार छेड़ी दिया हिजाब मुद्दे वाला, संजय जी आप आपके पास आ ही रहा हूँ, जब आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब आपके पास आऊंगा, ठीक है आपके पास ही आऊंगा। ठीक है पदार साहब, मैं ये कह रहा था हिजाब वाला जो आपने मुद्दा छेड़ा है इसकी समस्या, क्योंकि दर्शक देख रहे होते हैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा बोल देना चाहिए, वो ठीक है। समस्या कुछ नहीं, समस्या महज इतनी है कि अगर हिजाब को क्लास के अंदर पहनकर बैठने से अगर किसी मुस्लिम नेता ने ही रोका होता तो समस्या इतनी नहीं होती। समस्या ये है कि अगर कोई गलत एक्टिविटी कहीं पर हो रही है और उसको कोई हिंदू रोके, हिंदू कह दे कि ठीक है आप हिजाब मत पहनिए, क्लास के अंदर यूनिफॉर्म है मत पहन,
तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए नहीं कह रहा है, वो दरअसल पूरे एक धर्म पर हमला कर रहा है। ये गलत चीज़ है। राधा राम मोहन रॉय जो थे वो भी लड़े थे, तो वो भी एक प्रथा के लिए लड़े थे जो कि अगेंस्ट जा रही थी कल्चर के, तो उसके लिए, लेकिन वो हिंदू थे तो इसलिए उनका विरोध नहीं हुआ। तो हिजाब जो है, अगर जो जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्लियर होना चाहिए कि हिजाब दरअसल मुद्दा ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, यूनिफॉर्म वाली बात है। आप जितने लोग हैं, मैं हुआ, हम हर कोई हुए, मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, आर्मी पब्लिक स्कूल में, मेरे बाजू में कौन बैठता रहा, मुझे तो बड़े होकर पता चला जब फेसबुक पे उनकी रिक्वेस्ट आई, अच्छा ये थे। तो ये चीज है। और हिजाब वाले मैटर पे, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया इसलिए मैं बता देता हूं, बहुत छोटी सी बात है अगर लोग पकड़ पाए तो, हिजाब दरअसल कुछ नहीं है। अगर किसी मुस्लिम नेता ने ही मना कर दिया होता कि ठीक है स्कूल है यूनिफॉर्म है आप हिजाब मत पहनिए तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन क्योंकि जो हिंदू लोग हैं उन्होंने मना कर दिया, कोई भी हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, नेता हो सकता है, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, कोई भी, उसने जब मना किया तो इसको इस तरीके से एक्सेप्ट किया गया कि ये दरअसल एक्टिविटी पर नहीं, ये दरअसल एक धर्म पर हमला कर रहा है और इसको इस तरीके से अब प्रोपोगेट किया जा रहा है। और दोनों पार्टियों का फायदा है पुदार साहब, दोनों पार्टियों का, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये लड्डू छोड़ देगी, बीजेपी तो इस लड्डू को पूरा खाएगी, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष के जितने लोग दिख रहे हैं वो इस लड्डू, वो एक्स्ट्रा चीनी डाल के इस लड्डू को खाते हैं। तो ये है क्यों संजय जी, अब थोड़ा सा मामला शांत हुआ है संजय जी? देखिए ऐसा भाई साहब, मैं बिल्कुल शांत हूँ, आप, मेरा निवेदन है आपसे कृपया जो समय मुझे अलॉट किया जाए बीच में ये दूसरे दलों के प्रवक्ता ना बोलें, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी आपत्ति है, आप इसको नोट कीजिए। ये चोर क्या होता है, क्या शब्द यूज किया आपने? अरे रुकिए भाई, रुकिए, ठीक है संजीव जी, मेरी बात को सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा। संजीव जी कुछ भी पर्सनल नहीं है, जब संजय जी कोई बात कह रहे हैं तो वो एक बड़े दृष्टिकोण से कह रहे हैं, वो पार्टी पार्टी आरोप लगाती है एक दूसरे पर, आप कोई दूध के दूल्हे थोड़ी ना है, आप भी तमाम आरोप लगाते रहते हैं, तो आप संजय जी पर थोड़ी ना लगा रहे हैं। संजीव जी अगर कोई भी बात कही गई है इसको राजनीतिक टीका टिप्पणी के तौर पर लीजिए, इसको इतना पर्सनल नहीं होना है, ठीक है? और सुधा जी आपने थोड़ा सा कि ये कैसे बोल दिया, अब देखिए तब से भड़के बैठे हैं संजीव जी हमारे, लेकिन ऐसे नहीं, आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे तो मसला नहीं रह पाएगा, ठीक है? सबसे पहले तो संजय जी आप अपनी बात रखिएगा, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा भाषा को ठीक रखिएगा, इससे ठीक रहेगा वरना पर्सनल हो जाता है थोड़ा मामला, ठीक है? आप अपनी बात रखिए और ये बताइए कि 80 vs 20 जो है, अब सवाल का जवाब दीजिएगा, 80 vs 20 जो है वो आप कुछ भी किसी भी तरीके से दिखाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं भी जानता हूँ, पोदार साहब भी जानते हैं और संजीव जी भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि आपका जो टारगेट है वो क्या है। देखिए ऐसा है भाई साहब, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस देश के अंदर ऐसे हैं कि शब्दों का व्याकरण वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मान्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 80-20 की बात कही है, 80-20 की बात यह है, 20% कौन लोग हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 20% के वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता तुष्टीकरण और जाति की राजनीति करते हैं, लोगों को धर्म जाति मजहब के नाम पर भड़काने का काम करते हैं, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, कहना था सीधे यही बात बोल दी होती कि जो लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ, वही तो 20% है। कांग्रेस क्या इससे अछूती है, बहुजन समाज पार्टी क्या इससे अछूती है, और समाजवादी पार्टी तो इस काम में नंबर वन मानी जाती है, ठीक है? दूसरी बात, मतलब मुसलमानों, मतलब 20% मुसलमान नहीं थे आप ये कह रहे हैं?
जी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास में यकीन करती है और सबके विकास में यकीन करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां तक मुसलमान मुसलमान मैं एक घंटे से सुन रहा हूँ, संजीव भाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो वो बीच में कूद जाते हैं, कृपया अपनी बारी का इंतजार करें। मैं मुसलमानों की ही बात कर लेता हूँ आपसे। देखिये ऐसा है 2006 और 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी और 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए इस देश के अंदर, तब तक बजट था अल्पसंख्यकों के लिए, देश का जो बजट होता था 142 करोड़ होता था, जो कि आज की डेट में प्रभु मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत जी इस चीज से वो नहीं करता, ठीक है, मैं इस चीज से ज्यादा कि आप आंकड़े गिराएंगे कि इतना बजट हो गया, जीडीपी यहां पहुंच गया वहां पहुंच गया, जबकि हर कोई जानता है कि जीडीपी में भी निकालने में भी कितनी खामियां हो जाती हैं, बहुत सी शेल कंपनियां उन्हें उठा के जीडीपी में जोड़ दिया जाता है, बजट में भी बड़ी चीज है। मैं देखिए, मैं क्योंकि मेरे साथ एक समस्या है, जो लोग जो है उनको आप ये बातें बताइए, ठीक है, अच्छी लगती है बंद कमरे में हल्का गुनगुना पानी पीते हुए बातें करना कि देखिए बजट इतना इतना हमने किया वो किया, ठीक लगती है, मुझे मत बताइए, मैं पूरे पूरे दिन फील्ड पे घूमता रहता हूं, आप बजट बताएंगे 20 लाख करोड़ हमने यहां दे दिया, 10 लाख करोड़ यहां दे दिया, 5 लाख करोड़ यहां दे दिया, मैं फील्ड पे जाता हूं, 2 रुपए का खाना नहीं है लोगों की प्लेट में, तो उसको छोड़िए, आप इस पे मत जाइए भाई साहब, जो अब आप जो बोल रहे हैं अगर वही लोग मेरी डिबेट देख लेते हैं, अब उन्हें भी वो भी मुझ पे फिर घर आने लगेंगे जिस दिन मैं जाऊंगा, भगाने लगेंगे मुझे इस दे, कि तुम सुन के आ जाते हो ये बात, मैं दूसरा हूं, आप पहली बात तो देखे सुनो, मैं दूसरी बात कह लेता हूँ, यूपीएससी जो हमारे देश के अंदर सिविल सर्विस परीक्षा होती आप ऐसी है, बातें क्यों कह रहे हैं, आजादी से लेकर के एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात को या तो मुझे पूरा होने दीजिए, मुझे सुनिए, बीच में संजीव जी के बाद आप भी टोका टिप्पणी करेंगे तो फिर मेरे यहाँ बैठने का औचित्य क्या, नहीं, नहीं, आप सुनिए भाई साहब, बोलिए नहीं, अगर आप ही को और संजीव जी को बोलना तो मुझे ही क्यों बैठाया भाई, मैं आपको उस पर बजट पर आपत्ति हो गई, आगे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, देखे यूपीएससी के अंदर आजादी से लेकर अब तक 2012 तक जो बच्चे आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट होते थे मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बहन, उसका आंकड़ा था 28 से 29 बच्चों का, 2014 से लेकर के 2022 तक एवरेज निकाल लिए 51 बच्चे का औसतन एवरेज है, ये है भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रेम, और भारतीय पार्टी का मुस्लिम अब्दुल कलाम जी के रूप में जी बिल्कुल सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मूल मंत्र है, ठीक है, संजय जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई, सुधा जी के पास भी चलना है, समय कम है, सुधा जी के पास भी चलना है, लेकिन संजय जी से एक सवाल लेकर चलूंगा, क्योंकि संजय जी आपने यूपीएससी का जिक्र छेड़ दिया, यूपीएससी मेरे को इसलिए ध्यान आ गया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो कोई बजट नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बस इसलिए सवाल कर रहा हूँ, बाकी इस डिबेट से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एकदम से ध्यान में आ गया, आपने यूपीएससी का बताया कि यूपीएससी में इतने इतने लोग जो थे इतने इतने पास हुए, ये बने वो बने, ठीक है, अधिकारी बने, यूपीएससी जो है वो इतनी दफा एग्जाम कराता है, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई परीक्षार्थी सड़क पर भटक रहा हो, ये हो, किसी का पर्चा हो गया हो, किसी का एग्जाम में ये आ गया हो, किसी का सवाल गलत हो गया हो, लेकिन आप जो परीक्षाएं कराते हैं सरकारी उसमें इतनी कभी पर्चा गलत, कभी ये गलत, कभी सवाल गलत, कभी ये, कभी कोर्ट कचहरी, कभी बच्चा आज पर्चा खरीदा है और अपनी फियांसे को फोन करके बोला है कि अगले साल तक हम बन जाएंगे, और आज फियांसे भी बही है, फोन भी बही है, वो लड़का भी बही है, और 6-7 साल बीत गए, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब आप यूपीएससी के बारे में इतना जानते हैं और इतना पढ़ते हैं, इतना अंदर तक रिसर्च करते हैं, तो खाए नहीं यूपीएससी के, दिल्ली में तो दफ्तर है उसका, यूपीएससी वालों के पास जाओ, पूछो भैया कि कैसे एग्जाम कराएं, कभी सवाल गलत कर देते हो, कभी कुछ गलत कर देते हो, कभी, और इतना जानकारी है आपके पास, ये बड़ी विचित्र चीज है, नहीं उंगली मत उठाइए, देश और प्रदेश, मैं बोल देता हूं भाई साहब, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता ना आप कब रोक दें और हमारे भाई कब बीच में आ जाएं, मेरा कहना यह है कि देखिए मैं अभी बात जिस टॉपिक पर हो रही थी, अब मैं आपके टॉपिक का जवाब दे देता हूं, आपको यह समझना होगा कि अगर कोई त्रुटि होती है या कोई अपराध करता है परीक्षा में, उस पर कार्रवाई होती है, त्रुटि को ठीक किया जाता है,
इनकी तरह नहीं कि जाति विशेष की बैठक देखिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मैं सुधा जी के पास चलूंगा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गया आपने कहा कि कार्रवाई होगी, आपने कहा एक सेकंड संजीव जी ऐसे मत करिए, संजीव जी आपके पास भी आऊंगा, पूरा समय दूंगा, खुद कर बोलेगा, सुधा जी के पास चल रहा हूँ, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसके बदले में आपको दे देता हूँ जवाब। आपने कहा कि अगर ऐसी गलतियां होती हैं तो कार्रवाई होती है, अब आप ये बताइए कि ऐसी गलतियां होती क्यों है? ऐसी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि जो दुकान मिष्ठान भंडार के कार्ड छापता है उसके पास आप पेपर छापने भेज देते हैं, जिसके बियर के गोदाम है उसके पास आप पेपर छापने भेज देते हैं, ऐसी बहुत सारी गलतियां आप खुद करते हैं और इसको भुगतना पड़ता है किनको? सत्यम को, शिवम को, सुंदरम को, फरताबाद कायमगंज के लड़कों को, अलीगंज के लड़कों को, ठीक है ना? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा सुधार करिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली आ जाइए और आप तो खूब रिसर्च करते हैं, आप आइए उनसे सीखिए कि भैया कैसे अच्छी परीक्षा कराई जाती है, ठीक है? बस इतनी सी बात है। सुधा जी पहले आप जो बोलना चाह रही हैं सुधा जी, काफी देर से उस पर आप बोल लीजिए, फिर मैं आपसे जी बिल्कुल मैं सबसे पहले, चूंकि इन्होंने संजय भाई ने सबसे अच्छा जो उदाहरण लिया था यूपीएससी का लिया था और आपने उसको बहुत अच्छे तरह से इनको बता भी दिया कि प्रॉब्लम कहाँ से, इन्होंने जब भी वहां बात की वहां भी ये यूपीएससी की बात नहीं कर रहे थे, हमारे देश की वह संस्था है जो हमारे देश के सबसे कहते हैं ना कि उन बच्चों के द्वारा हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स उनको तैयार करती है, उनका नाम लिया आपने और जो आपने संख्या बताई वो संख्या आपने जाति के नाम से ही बताई, मतलब आपको हर जगह जाति ही दिखनी है, जब भी हम कोई चीज करते हैं मेरी बात सुन लीजिए, जाति की बात करे जा रहे हैं भाई संजीव जी, करे जा रहे हैं, इसलिए मुझे जाति का बताना आवश्यक था, मैं आप लोग जो मुसलमानों को जनसंख्या हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने की बात करते हैं, उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं, सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इस वजह से मुझे ये संख्या बतानी पड़ी। मत करिए अली वर्सेस बजरंगबली नहीं करेंगे मुस्लिम भाइयों की, अब आगे बढ़िए आप, अली वर्सेस बजरंगबली नहीं करेंगे। मैं जाति की ना बात कर रही हूँ ना, मैं जाति की बात करना चाहती हूँ, यही तरीका है आप लोगों का कि तेज बोल दीजिएगा, किसी बात को काट दीजिए तो बात खत्म नहीं होती है, बात के जो सवाल है वो खत्म नहीं होते, सवाल बने थे, मेरा बस एक सवाल था आपसे कि सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो, बाकी हर सरकारों ने बुरा किया, एनआरए जब आया था, जब हमने सुना कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ रही है, सही बताओ शिक्षिका होने के नाते मेरे मन में सबसे अच्छी खुशी हुई थी कि चलो बच्चों का कुछ तो भला होगा, जब 2020 में जब ये हमारी मंत्री जी ने निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट की थी, सही बताओ मेरे लिए लगा था कि जो ये रिक्रूटमेंट होगी, जी बिल्कुल मैं उस बात पे, अगर मैं शिक्षिका भी हूँ जी, तो जब मुझे ये मालूम चला था कि बच्चों के लिए एक ऐसी एजेंसी आएगी जिसमें सारे एग्जाम्स एक साथ हो जाएंगे, दो साल हो गए हैं आप बताएंगे अपने हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, सब हो रही हैं, एक निदेशक बना गया लेकिन वो कार्य कैसे कर रही है नारे, आज तक कोई ना वेबसाइट है ना कोई इसको इन्फॉर्मेशन है ना उसके बारे में कोई भी जानकारी है, आप बातें कर रहे हैं बातों पे काम करिए वो जरूरी है, अगर कोई गलती किसी सरकार के द्वारा हुई है, मैं पूरी बात कर लूं अपनी प्लीज, मुझे वक्त दीजिए मैं एक लाइन में खत्म कर दूं कि प्रश्न खड़ा करना सबसे आसान होता है, जैसा कि आपने शुरुआत में जब मुझसे कहा कि वर्तमान में राजनीति नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये लोग करने नहीं देंगे, इन्हें उसी जाना बैक में आगे आज क्या जरूरत है, सिर्फ बात उसकी करनी है, एनआरए के लिए अगर कोई वेबसाइट हो, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला, अगर आपके पास है तो इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से बता दीजिए कि क्या किया गया इन दो सालों में और आज एनआरए के द्वारा बच्चों की कौन सी भलाई हो रही है, आपने सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे, क्या सरकार ने, आपने बड़ी अच्छी बात की सुधा जी, और अब हमारे पास समय कम है इसलिए दो दो मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, दो दो मिनट सभी लोग लेंगे और अपनी आखिरी बात रखेंगे सुधा जी, क्योंकि मुझे अभी पता चला बिल्कुल कि आप शिक्षिका हैं और बहुत अच्छी चीज है, शिक्षक भी भगवानी का रूप है, लेकिन ये बताइए मुझे थोड़ा सा कि आपने क्या प्रियंका गांधी को, मुलाकात ना हो पाई हो आपकी तो आपने क्या प्रियंका गांधी जी को एट द रेट करके ट्विटर पर उनको ट्वीट किया या उनको कोई मेल लिखा या उनको कोई चिट्ठी लिखी या उनको फोन पर एक बात आपने कही कि आप प्रियंका गांधी जी जो बोल जाती हैं जल्दबाजी में वो गलत है? अब आप समझ गई हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, अब आप ये बताइए जी। बिल्कुल मैं आपकी बात, मैं आपसे मैंने ट्विटर किया, मैंने पोस्ट किया, मैंने बात की, बात इसकी नहीं है, गलतियां होने के बाद स्वीकार्यता होनी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मैं आज बैठ के उस सरकार उस पार्टी के लिए बात कर रही हूँ तो अगर मुझे स्वीकार्यता नहीं दिखती कि गलतियां अगर हो जाए और मानवीय गुण है कि गलती हुई है स्वीकार्यता है, बिल्कुल नहीं, गलती मानना नहीं बड़ी बात होती है, सुधार करना बड़ी बात है, आप मान रही हैं गलती है, आप मान रही हैं ना ये गलती है। देखिए अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है उसको हम बदल के आगे बढ़ जाएं, आप मान रही हैं ना गलती है,
आप किस गलती की बात करना चाहते हैं आप बता दीजिए। आपने बात की उस बात को प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि जो हिजाब वाला मैटर है, हिजाब वाला जो मैटर है वो आपको पूरा पता होगा, मैं भी बता देता हूँ। उडुपी का ये पूरा मैटर है, 6 लड़कियों से शुरू हुआ था, चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते पूरा चला गया, बढ़ते बढ़ते हिजाब वाला मैटर मैं पहले कुदार साहब से बात कर चुका हूँ। इतना सा मैटर है कि एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, जहां पर ये लड़कियां पहुंचती हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही थी आफ्टर कोविड, तो इन्होंने कहा कि हम अंदर जाएंगे, अंदर क्लासरूम के अंदर बैठकर हिजाब पहनेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सही कर दूं इसमें, इसके बाद जो मैं इसको सही कर दूं, जो बच्ची का फिर से वीडियो आया है उसमें उसने कहा कि वो बाहर के लोग थे, आप उसको पूरा देखिए, ठीक है। आप उस पर मत जाइए क्योंकि ऐसे वीडियोस और बाकी मैं फिर बहुत अंदर चला जाऊंगा, मुझे एक एक चीज है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो था वो ये था कि क्लासरूम के अंदर आप बैठ कर हिजाब नहीं पहन सकती, इतनी सी बात है। आप सड़क पर हिजाब पहनिए, घर के अंदर हिजाब पहनिए, आप अपनी छत पर हिजाब पहनिए, पड़ोसी का हिजाब पहनिए, आप कहीं भी पहन सकती हैं। आप क्लासरूम के अंदर बैठकर हिजाब नहीं पहन सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, अगरबत्ती नहीं लगा सकते, ठीक है, बिल्कुल। प्रियंका गांधी जी ने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि लड़कियों को पूरी आजादी होनी चाहिए, चाहे वो हिजाब पहने, चाहे बिकनी पहने, चाहे साड़ी पहने, ये गलत है। आपने इसी के लिए मैं पूछ रहा था, आपने उन्हें ट्वीट किया, मैसेज किया, टेक्स्ट किया, सुनिए मेरी बात, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कहा, उन्होंने स्कूल में पहनने के लिए नहीं कहा। देखिए आजादी कहाँ पे किसको देनी है, बाहर तो पहन ही रहे हैं लोग, बाहर तो पहन ही रहे हैं, बाहर पहनने के लिए उन्होंने क्यों कहा? नहीं देखिए उन्होंने स्कूल में पहनने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा पहनने के लिए, आपने पूरी बात कहा पहनने के लिए कहा, जो आपके जीवन उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आपकी आपकी जो मर्जी, जहाँ आपको पहनना हो, तो वो तो सबको पता है, मुद्दा तो स्कूल में पहनने का ही था ना बहन जी, बिल्कुल नहीं, मुद्दा तो स्कूल में पहनने का था ना, स्कूल में मैं नहीं है ना, आप लोगों ने बाहर तो सब लोग पहन ही रहे हैं अपनी, मेरी बात सुन लीजिए जी, नहीं बाहर पे मेरी बात सुनिए, मुझे प्रसंग एक्सेप्ट कर लीजिए, अभी आपने कहा कि गलती एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल नहीं, नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे थी तो मैं आपको पूरी बताती हूँ, नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है। जब बात पूछी गई, जब उन पत्रकार ने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे कहूँ अपना स्कार्फ हटाइए तो आप मेरी बात सुनेंगी, तो पत्रकार ने कहा आप मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रही है, तो उन्होंने कहा ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, पूरी बात यहाँ तक। अरे जो पत्रकार है वो अभिषेक उपाध्याय है, वो हमारे मित्र हैं, पहले उन्होंने सवाल किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप स्कार्फ हटाइए, नाराज होकर, ठीक है, अभिषेक उपाध्याय था जिसका सवाल पर हुई थी कंट्रोवर्सी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं पहले मैं पूरी बात इसलिए कहूंगी, आप लोग एक प्रसंग उठा लेते हो आधी बात, जैसे ठीक है सुधा जी वन टू वन जवाब दीजिए, क्या आप ऐसे सुबह सोकर उठे आप और आप ये बोलने लगते हैं कि आप भाई सबको खुली आजादी है, सब जो पहनना चाहे पहन सकते हैं, वो तो है, बिल्कुल वो तो है, बिल्कुल नहीं, मेरी बात किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात है ना, ये गलत बात है कि नहीं है? नहीं देखिए आप क्लासरूम के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते, मैं लुंगी पहन के क्लासरूम में कैसे जा सकता हूँ, कैसी बात कर रहे, मेरी बात तो करने दीजिए पूरी, मैं मानती हूँ आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आपका काम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप तथ्यों की बात करते हैं, लेकिन बात तो पूरी करने दीजिए, आजकल आपकी सर्टिफिकेट बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हैं, एक दे रहे हैं पिंक कलर का, एक दे रहे हैं गुलाबी, ठीक है हिंदी में हो गया, चलिए ठीक है, बात कोई नहीं आप मेरी पेरी पूरी बात कर लेने दीजिए, जब हम प्रसंग केवल पकड़ते हैं और पूरी घटना नहीं पता होती है तो आधी अधूरी, मतलब प्रियंका गांधी को प्रसंग घटना नहीं पता थी, ठीक है प्रियंका गांधी को घटना नहीं, बिल्कुल नहीं, जिस पत्रकार ने इसको लगाया जिस तरह से, वो घटना अलग थी, जब आप एक दोहा पढ़ देते हो, एक सूत्र पढ़ देते हो, तो प्रियंका गांधी जी को, अच्छा ठीक है सुधा जी, सुधा जी टाइम जरूर ज्यादा लग रहा है लेकिन एक चीज पूछ के चलूंगा, सुधा जी आपने कहा कि प्रियंका गांधी ये कह रही थी हर किसी को हर चीज की आजादी है, आप बताइए आप देश के लोगों को क्यों गलत मैसेज दे रही है कि इस देश में हिजाब पहनने पर पाबंदी है, ये इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है कि हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, कौन कह रहा है हिजाब पर बैन है, आपके नेता क्यों इस तरीके की चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने क्यों कहा कि जो पहन सकता है पहनने दीजिए, वो तो ऑलरेडी पहन रहे हैं, देखिए इस बात का विवाद कहां से बढ़ा है, स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर पहनने से जाता है, स्कूल के बाहर क्लास के अंदर प्रॉब्लम कहां से हो रही है, आप उसको देखिए ना, उसकी जड़ में जाइए, वहीं से हुई वहां पे, सिर्फ प्रसंग को स्पष्ट करने, बिल्कुल नहीं, बात कहां से कहां फैलाई जा रही, मतलब है मतलब ये बताइए क्या क्लासरूम के अंदर बाहर जो हिजाब पहन रही है लड़कियां पहले अलाउड नहीं था, बिल्कुल नहीं, स्कूल देखिए पहले अलाउड नहीं था, बहुत से स्कूल में बच्चे जाते हैं पहले बाहर हिजाब पहनना अलाउड नहीं था, आप ये कह रही है सुधा जी पहले बाहर हिजाब पहनना अलाउड नहीं था, नहीं, तो आपने प्रियंका गांधी को बताया कि आप गलत बोल रही हैं, वो तो पहले से पहन रहे हैं बाहर, कावेंद्र जी मैं सुधा जी से खाली एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोड़िए प्रियंका जी को, सुधा जी आपके हिसाब से स्कूल में हिजाब पहन करके बैठना चाहिए या स्कूल में यूनिफॉर्म के अंदर बैठना चाहिए, आपका क्या विचार है, इस पर आप अपना विचार बताइए, किसी भी स्कूल में किसी भी संस्थान में उसका ड्रेस कोड होना चाहिए,
वो ड्रेस कोड कोई भी हो, यूनिफॉर्म हो, उस स्कूल तो यही तो समस्या हो रही है, इसी का तो विरोध हो रहा है, इसी को बोलते हैं ये हो गया आपने पोदार साहब, इसको नहीं, बिल्कुल नहीं पोदार साहब, आपने कंटेंट ऑफ प्रियंका गांधी करवा दिया बाहर की चीज। चलिए चलिए बिल्कुल नहीं आप लोग, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चौधरी साहब काफी देर से चौधरी साहब बैठे हैं और चौधरी साहब, अरे ठीक है सुधा जी हो जाता है प्रियंका गांधी ये नहीं करेगी बैन, कोई आदमी कहीं पर भी हिजाब पहन करके जाए कौन मना कर रहा है, कुछ भी पहन से मना, लेकिन जहां पर समस्या संजीव चौधरी साहब इसकी है ही नहीं, बात इसकी है कि वहां पे भगवा लाके उसको धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, कोई और बात थी नहीं वहां, मेरा छोटा सा एक मुश्किल से दो या पांच सेकंड में दूंगा, पांच सेकंड ठीक है अभी जो हमारे भाई, अबारे हमारे जो भाई ने एक बात कही थी 80-20 हमने वो नहीं कहा, इसका मतलब 39% इनको वोट मिला, 39 से ऊपर जो 80 का वोटर है वो अन्य पार्टी को मिलना था, इसका मतलब वो अच्छे लोग थे, वो अच्छे लोग है, कहां फंसे हैं साहब ये बताइए, पूरी बात सुनिए, पापा को कितना मिला था चौधरी साहब चलिए डिबेट खत्म करने का वक्त आ गया है, डिबेट खत्म करने का वक्त आ गया है, बहुत अच्छा लगा आप सभी से, चौधरी साहब ठीक है, पोदार साहब लास्ट आपसे एक रिमार्क है, बस आपसे लास्ट कमेंट ये है, ये बताइए कि अब यहां का तो हो गया पूरा, अब जैन चौधरी साहब को कह दीजिए टाटा, अब ये बताइए बस में ओम प्रकाश राजभर कब बैठेंगे, कब छत पे चढ़ेंगे, बहुत दिन हो गए हैं सब मांग कर रहे हैं, सबका मान सम्मान है, टाटा किसी को नहीं कहा जाएगा, सब साथ सबका साथ, अब जैन चौधरी को लेकर थोड़ी ना घूमेंगे पूर्वांचल में, जैन चौधरी को लेकर थोड़ी ना पूर्वांचल में घूमेंगे, बस पे चढ़ा के सबका साथ और अपना विकास किया था इन्होंने, अरे आप ये बताइए ओम प्रकाश राजभर साहब को बस की छत कब दिखा रहे हैं, दिखाई देता है ऐसे ही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रही डिबेट, संजय जी माफी चाहूंगा बिल्कुल भी समय नहीं है, अगर समय होता तो जरूर आपको देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, तो आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें क्या कुछ रहा है, क्या यहां पर गठबंधन हावी होता दिख रहा है या फिर बीजेपी जो है वो एक बार फिर से रिपीट करने के मूड में है, मतलब क्लीन स्वीप करने के मूड में है, फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात, शुक्रिया।